Hi everyone, let's discuss about the government sector. Already we have discussed about the household and firms. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में. जैसे फर्म्स बिजनेस करता है, फर्म्स की अपनी इंटरप्राइजेज होती है, लाइक सिमिलरली गवर्नमेंट भी बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, बहुत सारी चीज़ों में काम करता है. आई विल डिस्कस अबाउट दिस. जहाँ पर बेसिक जो मोटिव होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, वो सोशल वर्क होता है, सोशल वेलफेयर होता है, और देश की इकोनॉमी को हर हाल में आगे बढ़ाना है, उसके मकसद से काम करते हैं. तो गवर्नमेंट सेक्टर भी सर्कुलर फ्लो का एक पार्ट है, एक हिस्सा है. जैसे कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, डोनेशन मिल रहा है, या सरकार आपसे टैक्सेस ले रही है, ठीक है, या आपके देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहा है. एज़ यूजल आप देख सकते हो कॉलेज, स्कूल्स, ब्रिज, डैम, रोड्स, ठीक है, तो उसके फंड रिलीज होते हैं. तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो वो काम करती है, वो भी ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमी का हिस्सा है और सर्कुलर फ्लो में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस वट एवर आई हैव रिटन हियर. द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स फार्मिंग लॉज. जो सरकार की जो रोल है वो बहुत सारी चीज़ों में है, बट आई हैव फोकस्ड हियर फुल्ली फार्मिंग लॉज. जो आप फार्मिंग लॉज जो होते हैं उसको इन्फोर्स करना, ऐसे कोई भी चीज़ का लॉ गवर्नमेंट बनाती है, उसको इन्फोर्स करती है, और गिव द जस्टिस, डिलीवरिंग अ जस्टिस, ठीक है. द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स फार्मिंग लॉज, इन्फोर्सिंग देम एंड डिलीवरिंग जस्टिस, ठीक है. इन मेनी इंस्टेंस, अगर आप हर तरह से, मतलब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, अंडरटेक्स प्रोडक्शन, जैसे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप क्लास दैट इज़ योर 11 में BST में पढ़े हो भी होगे, दैट इज़ योर कॉरपोरेट सेक्शंस में, कि गवर्नमेंट की भी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, जहाँ पर वो प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विस, एयर इंडिया सर्विसेज में आ गया, ठीक है, एंड गुड्स प्रोडक्शन करने में कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, ठीक है, BSNL सर्विसेज प्रोडक्शन करती है, इंडियन ऑयल हो गया, HP हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया ऑयल इंडिया लिमिटेड के तहत, ONGC हो गया, गेल हो गया, रेलवे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो ये सब क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर. आप लोग पढ़े भी होंगे, दैट इज़ योर डिपार्टमेंटल सेक्टर हो गया था हमारा, एक कॉरपोरेट सेक्टर था हमारा, ठीक है, और एक बैंकिंग सेक्टर भी आपका है, ठीक है. तो ये सारे क्या होंगे? गवर्नमेंट सेक्टर के तहत होंगे. तो इसमें जो भी एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है, दिस 110% इट इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमी, और ये सर्कुलेट होएगा, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द सर्कुलर. ये भी आपका क्या है? सर्कुलर का पार्ट करता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस, गवर्नमेंट सिर्फ आप पे टैक्सेस इम्पोज नहीं करती. अपार्ट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्सेस एंड स्पेंडिंग मनी ऑन बिल्डिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, ETC, कहने का मतलब है सरकार जो है वो सिर्फ टैक्सेस ही सिर्फ इम्पोज नहीं करती है, वो टैक्सेस ले करके उसी पैसे को रिवर्स वो पब्लिक के ऊपर खर्च करती है, ठीक है. बिल्डिंग बनाती है, पब्लिक बिल्डिंग बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स करती है, स्कूल्स बनाती हैं, कॉलेजेस बनाती हैं, प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज मीन्स हॉस्पिटल बनाती है, और ये बहुत सारा चीज़ आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है. सो दिस इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द स्टेट हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन वी वांट टू डिस्कस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए लिखी हूँ कि ये जो इकोनॉमिक फंक्शन जो सरकार करती है ऑफ द स्टेट, स्टेट मतलब यहाँ पे बेसिकली मैं इम्पोज कर रही हूँ सरकार को, गवर्नमेंट को, हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट मतलब क्या? वी शुड ऑल्सो कंसीडर द गवर्नमेंट सेक्टर व्हेन वी वांट टू डिस्कस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. अगर हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर. होप सो लिटिल बिट और मे बी क्लियर टू यू. सो थैंक यू. Have a great day.